फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग किरण में। आज मैं जो है किचन क्लीन करने वाली हूँ, तो पूरा डीप क्लीनिंग किचन होने वाला है, मतलब डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ किचन की। मैं पूरा किचन का सामान जो है हटाने वाली हूँ और अच्छे से सारे बर्तन वो सब क्लीन करके, सब रैक वगैरह क्लीन करके, तो काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन करके फिर से किचन जो है मैं अरेंज करने वाली हूँ। तो एक बार मैं किचन का अभी का लुक जो है दिखा देती हूँ, तो चलो फिर देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि ये किचन जो है हमारा इस प्रकार अभी जो है अरेंज किया हुआ है। तो इसको मैं सारा जो है निकालने वाली हूँ और इसकी डीप क्लीनिंग जो है मैं करने वाली हूँ। उसके साथ ही साथ मैं फ्रिज भी क्लीन करने वाली हूँ। ये निकल जाएगा तो ये फ्रिज जो है आसानी से मैं क्लीन कर पाऊँगी, क्योंकि ये दो रैक होने की वजह से फ्रिज जो है ये रखने के बाद क्लीन नहीं होता है। तो ये दो रैक जो जब मैं साफ़ करूँगी तो बाहर रखूँगी सूखने के लिए, तब मैं ये फ्रिज जो है क्लीन करने वाली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से हटानी है और बहुत सारी यहाँ से भी कुछ चीज़ें जो है मैं हटाने वाली हूँ सभी, तो वो अच्छे से मैं अरेंज करने वाली हूँ। तो ये हो गया एक पार्ट, और सेकंड वाला जो है यहाँ पे है काउंटर टॉप। तो ये भी बहुत सारी, ये भी पूरा क्लीन करना है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है हटानी है। तो ये देख रहे हैं, ये दिया वगैरह हमने निकाल दिया है, अभी दिवाली के लिए लगेगा। तो ये भी सारा क्लीन करना है। और ये अभी सुबह मॉर्निंग का नाश्ता और जो है टिफ़िन हो गया है, तो इसकी वजह से ये सारे बर्तन हैं। तो ये पूरा सारा ऊपर का वगैरह, ये सारा चीज़, मतलब ये खिड़की वगैरह है पूरी क्लीन करनी है, आप देख रहे हो। तो ये इस प्रकार जो है हम क्लीन करने वाले हैं। इसके बाद इसके नीचे भी जो है, इसमें जो पुराने मतलब बर्तन है, मतलब जो हमें नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, कम यूज़ होते हैं वो वाले बर्तन इसमें रखे हैं। और ये मोप है, उसके ऊपर ये जो आप पतीला देख रहे हैं उसमें जो है कुछ सब्जी वगैरह लाते तो उसी में रखते। और ये सारे दो डब्बे जो हमें बहुत रेयरली लगते हैं, इसमें सारे अलग मतलब जो कम चीज़ें लगती है वही हमने रखा है। तेल का कैन है, ऑयल का, और ये जो है पानी का हंडा है। उसके बाद ये वाले साइड में भी सेम दोनों, ये जो है इसमें जो है हमने रखे हैं बर्तन ही रखे हैं, छोटे छोटे बर्तन जो हमें नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल, यूज़ नहीं करते हम बहुत ज़्यादा है, तो वो है। ऊपर की तरफ एक कैन है, उसमें सैनिटाइज़र है। और ये सारे, ये वाला जो है ऑयल है जो हम घर पे बनाते हैं बालों के लिए लगाने के लिए, उसका भी जो है वीडियो जल्दी आएगा। दिसंबर में हम वो ऑयल बनाते हैं, तो वो भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मम्मी वीडियो, मम्मी जो है वो ऑयल बनाती है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस प्रकार जो है ये पूरा लुक है यहाँ का, तो ये भी पूरा क्लीन करने वाली हूँ। और उसके बाद ये वाला और ये सारी चीज़ें जो है मैं पूरा क्लीन करने वाली हूँ। फिर क्लीन होने के बाद फिर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अभी टाइम हो गया है 10 o'clock, तो मैं मॉर्निंग से ही ये सभी मेरा हो गया है, खाना पीना बना के दोपहर का वगैरह, तो ये सारे चीज़ मैं निकालने वाली हूँ और फिर मैं अपना क्लीनिंग जो है स्टार्ट करने वाली। तो चलो फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने पूरा जो है खाली कर दिया है। वो जो कांच के बॉटल्स है वो काउंटर टॉप पे मैं रखने वाली हूँ, वो काउंटर टॉप पे जाएगा। और वो ऊपर वाला भी जो दिखाई दे रहा है वो भी काउंटर टॉप पे जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी निकाल दी है। ये सबसे लास्ट में ये सारी जो दो रैक है वो मैं क्लीन करने वाली हूँ। फिर क्लीन करने के बाद ये नीचे का फ्लोर मैं क्लीन करूँगी पूरा। और ये सारा जो मतलब ख़राब जो चीज़ें थी वो सारे मैंने निकाल दी हैं। और ये सेक्शन मैंने अभी तक कुछ भी हाथ भी नहीं लगाया इस वाले सेक्शन में, क्योंकि जब ये हो जाएगा तो इधर मैं सेट कर दूँगी और इधर का बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। बहुत सारा सामान फ्रिज के ऊपर का आपको दिखाई दे रहा है वो जो रैक में वो चला जाएगा, क्योंकि वो पहले वही था बट वो थोड़ा सा ये होके वो कुछ सामान इधर का इधर हो गया है। अभी बहुत दिन के बाद मैं क्लीन कर रही हूँ तो ये हो गया। ये मैंने गणपति के टाइम जो है क्लीनिंग किया था मेरा पूरा ये किचन हमारा। तो अभी मैं करने वाली हूँ ये वाला। तो मैं सबसे पहले आपको बर्तन वगैरह दिखा देती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो है सारा सामान मतलब जो बर्तन है सारे वो मैं लेके आई हूँ। और मेरी बेटी जो है देखो अभी से उसका काम चालू हो गया है। तो ये आप देख सकते हो कि मेरी बेटी कुछ सुन ही नहीं रही है, उसको ही काम करना है। और यहाँ पे जो है हमने कपड़ों का मशीन लगा दिया। तो ये हमने बर्तन सारे निकाल दिए हैं आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये अभी मैं क्लीन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं बैठने वाली हूँ और सारा क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठती हूँ हमेशा, लेकिन यहाँ पे अभी धूप आ गई है तो मैं यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ। तो ये सारा जो है अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। आप देख सकते हैं अभी मैं ना इसके ऊपर सभी के ऊपर जो है पानी लगा देती हूँ, मतलब ये थोड़े सारे जो बर्तन हैं वो सारे जो है गीले हो जाएंगे देख सकते हो, क्योंकि इसको गीला करना बहुत हो जाएगा ना। तो ये बर्तन जो है गीले होने के बाद बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो ये सारे बर्तन हैं सारे ही जो है मेरे, इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला सारा पूरा भरा है। ये जो था और बेसिन के सिंक के नीचे का वाला ये हमने साफ कर दिया है। ये वाला है, ये भी पूरा बर्तन है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पूरा साफ हो गया है ये। और बहुत ज़्यादा धूप थी कि फिर भी हमने ये सारा क्लीन किया है। सिर्फ वो डब्बा जो है वो रह गया है, क्योंकि उस वो जो था वो घी का डब्बा है तो वो मैं सेपरेट जो है उसको क्लीन करने वाली हूँ। तो ये सारे बर्तन हो गए, ये सारा हो गया। बड़ा सा जो कंटेनर था उसमें ये दो कंटेनर थे, उसमें का ये पूरा सामान है। ये भी बर्तन थे वो जो हम यूज़ नहीं करते वो भी हमने क्लीन कर दिए हैं। और ये वाला पूरा भरा है, अभी इसको भी हम जो है घर में सुखाने के लिए रखने वाले। और ये सारे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने पूरा निकाल दिया था। इसमें जो बर्तन थे वो सारे क्लीन हो चुके हैं। तो अभी जो है ये क्लीन करना बाकी है। तो ये क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ही क्लीन करने वाली, क्योंकि गैलरी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा धूप है और अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इतने टाइम जो है धूप में बैठ के सारे बर्तन जो है हमने साफ़ किए मम्मी ने और मैंने। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर ही जो है इसको क्लीन करने वाले हैं, मतलब एक एक सिंगल करके फिर हम क्या करेंगे इसको क्लीन करके फिर नीचे का जो है वो सब झाड़ू वगैरह और पोछा लगा के फिर से ये ऐसे सेटअप कर देंगे। तो इसको चलो फिर क्लीन कर देते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमारा फ्रिज जो है अभी जो है क्लीन हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अंदर से, देख सकते हो
मैंने पूरा क्लीन कर दिया है वो। तो ये मेरा फ्रिज जो है क्लीन हो गया है। मुझे ज़्यादा फ्रिज को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं 15 दिन के बाद एक बार जो है फ्रिज क्लीन करती हूँ हमेशा। तो इसकी वजह से हमारा जो फ्रिज है वो हमेशा क्लीन होता है। दिवाली की वजह से मैंने एक बार सब निकाल के उसको क्लीन किया है फिर भी। तो ये तो हो गया हमारा फ्रिज क्लीनिंग। तो अगर आपको फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो अगर देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हमारा ये रैक भी जो है वो साफ़ हो गया है और नीचे का फ्लोर भी क्लीन हो गया, आप देख सकते हो। तो अभी ये जो है हम सब लगाने वाले हैं और ये वाला पूरा सेक्शन जो है कवर मतलब पूरा लगाने के बाद फिर मैं दूसरे साइड वाला सेक्शन जो है वो क्लीन करने वाले हो। तो ये पहले हम सब जो है अरेंज कर देते फिर हम आगे वाला सेक्शन देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा जो है किचन क्लीनिंग पूरा हो चुका है। हमने सारा किचन जो है पूरा क्लीन कर दिया है, आप देख सकते हो। अभी नाइट में हम ये जो है पुलाव खाने वाले हैं, बाकी हमने कुछ भी बनाया नहीं है। तो ये पूरा हमारा किचन टॉप वगैरह सारा क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो। एक एक चीज़ जो है हमने क्लीन की है। उसके बाद नीचे की तरफ भी हमने सारा क्लीन किया है, ये भी पूरा क्लीन करके रखा है अंदर बाहर पूरा। और उसके बाद ये सारे स्टील कंटेनर भी सारे अच्छे से क्लीन हो गए, उसमें सामान वगैरह पूरा भर के रख दिया है। अभी ये हो गया। इसके बाद आप ये देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मेसी हो गया था, आप देख सकते हो। ये अभी पूरा क्लीन हो गया है, आप देख सकते हो। मैंने सारा पॉलीथीन वगैरह सब हटा दिया है ताकि दिखने में भी अच्छा दिखे और क्लीन दिखे। उसके ऊपर ये अभी देख सकते हो, ये हो गया एक साइड। अभी दूसरा साइड में दिखाती हूँ, ये देखो पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका है। अभी इस प्रकार जो है मैंने सारा ऑर्गेनाइज किया है। ये जो है दोपहर के खाने के बर्तन मैंने पूरे मांझ के रख दिए हैं। तो इस प्रकार मैंने जो है सारे बर्तन मैंने और मम्मी ने पूरे क्लीन करके इस प्रकार जो है हमने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। और ये फ्रिज भी हो गया। फ्रिज के ऊपर का मैंने सारा जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी वो मैंने निकाल दी है। और ये फ्रिज भी हमने क्लीन करके मैंने दिखाया था आपको कि मैंने क्लीन किया है, वो भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो इसका अगर फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन का आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आपको आज का वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।